Hi guys, welcome back to my YouTube channel with another new video. So आज करने वाला हूँ मैं biceps and triceps workout, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप क्या वर्कआउट करते हैं biceps में triceps में. So मैं सोचा कि आज यही वर्कआउट करेंगे biceps and triceps और पूरे खड़े हुए हैं यहाँ पे. Assalamualaikum. आज पूरे मिला के ब्लास्ट कर देने वाले biceps and triceps. रिसेंट वीडियो आप लोग देखे मेरी, जिसके अंदर मैं प्रेप के बारे में बताया, लेकिन उसके ऊपर में कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला. एंड मैं अब चैलेंज करना चाह रहा हूँ लोकेश भाई को भी, कि अगर ये वीडियो पे 5K लाइक्स आए 1 वीक में, तो मैं पब्लिक रिएक्शन बनाता हूँ वीडियो. क्या तो मेरे को तो मालूम नहीं आते वो 5K 1 वीक में. सो अगर आ गए तो बनेंगे इंशाल्लाह पब्लिक रिएक्शन. आज की वर्कआउट में मैं बतलाने वाला हूँ आपको मेरी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की वर्कआउट. बाइसेप्स के 5 वेरिएशन, ट्राइसेप्स के 5 वेरिएशन. और आज संडे है, अभी टाइम हो रहा है 2 बजे. ये प्री वर्कआउट, ये अपना क्या है, EAA है, ड्यूरिंग वर्कआउट, एंड ये प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट बहुत जने ज़रा हाई कैफीन का यूज़ करते हैं, जिसे ईचिंग वो होती बोलते. मैं यही यूज़ करता हूँ रिपटेक्स 5. प्रमोशन रहें दो या करें दो, अपना बेस्ट प्री वर्कआउट है रिपटेक्स 5. अब फिल वक्त प्री वर्कआउट दबा के डालना, नहीं डालना भाई, वाट लगा देना है. अब ज़रा मेरा अलग तरीका है प्री वर्कआउट पीने का. पहले मैं डायरेक्ट ही लेता था इनटेक, लेकिन अब ज़रा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, देसी तरीके से. ऐसा करने में मज़ा होता था. सोडा मिला है जैसा मिला रहे. लस्सी है, लस्सी, ये वाटर नहीं, फायर है, फायर. और भाई ये भी बात बोलने का है कि बहुत जल्द हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं. मोस्ट अवेटेड है, यानी कि प्रेप जब हुआ, कंपटीशन हुआ, उसके बाद से प्लान चल रहा था दिसंबर से, कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे. फाइनली वो हो गया, उसके बारे में भी डालूँगा वीडियो में. एंड यूट्यूब का प्ले बटन आया तो अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डालेंगे. तो अभी के लिए चीयर्स, मिलते हैं प्री वर्कआउट के बाद वार्म अप करने. चलिए क्या बोलेंगे भाई लोगों को, रीरैक करना डंबल्स बोले तो भी वैसे ही छोड़ देते. अभी फर्स्ट वर्कआउट करने वाला हूँ मैं, यानी कि अब जो भी वर्कआउट करूँगा ये एडवांस लेवल के, बिगनर लेवल्स के, कोई भी छोटा बच्चा, यानी कि छोटा बच्चा बोले तो ऐसा नहीं, जो 16-17 एज के रहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं ये वर्कआउट जो करने वाला हूँ मैं. सो फर्स्ट अल्टरनेट करने वाला हूँ, यानी कि एक बाइसेप्स वर्कआउट एक ट्राइसेप वर्कआउट. तो फर्स्ट सिंगल हैंड डंबल करता हूँ, उसके बाद में स्कल क्रश है. थोड़े लोग कमेंट करते हैं कि भाई इतना कमेंट मार रहे हो, तो ये बात जो है, देखिए इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट, इट्स अबाउट हाउ यू लिफ्ट. सिंगल हैंड डंबल 4 सेट मारना है. चार वेरिएशन बाइसेप सिंगल हैंड डंबल माना है नॉर्मल वेट से, ज़्यादा हैवी नहीं माना है. ये मैं नॉर्मली मारा लास्ट वाला, हैवी बोले तो फॉर्म आउट हुआ था. एंड बहुत लगा जब मारते तो फॉर्म में थोड़ी गड़बड़ी कर देते, यानी कि हैंड अभी ये है नॉर्मल, ऐसा ये मूवमेंट, इसको थोड़े बहुत क्या करते ऐसा, और थोड़े लोग क्या करते हैं खाली हाफ मारते. ये हाफ में आपका क्या रेप हो रहा, कंप्लीट रेप, डाउन अप डाउन अप. सो ये हाफ नहीं, ऐसा डाउन नहीं, सीधा स्ट्रेट नॉर्मल. नेक्स्ट वर्कआउट ट्राइसेप्स स्क्रल क्रश लाइन.
जो लॉन्ग हेड के लिए होता है। वैसे भी मेरा लॉन्ग हेड बहुत ज़्यादा वीक है, डार्क शेड मानना है इसके। अब थोड़ा बहुत सारे बिगनर्स ऐसा पीछे ले लेते हाथ, जिसे ट्राइसेप पे होता ही नहीं फोकस, थोड़ा आगे रहेगा हाथ, देन फोकस बराबर रहेगा। अब अकरम भाई भी खेलने वाले हैं मसल मीनिया इंशाल्लाह, और हमारे लोकेश भाई भी, देखो था लोकेश भाई कौन है, भाई भी जिम स्टार्ट कर दिया, डोला आ रहा भाई का दिया। तो दो वेरिएशन्स हो गए, यानी कि ट्राइसेप का एक हुआ, बाइसेप्स का एक हुआ, अब बाइसेप्स का सेकेंड वेरिएशन ये है। नॉर्मल स्टार्टिंग के वेरिएशन सिंगल सिंगल है, उसके बाद में सुपर सेट्स मारेंगे। अभी ये तीन सेट ही मारना है, बाइसेप्स बारबेल कर्ल। रिकवरी के लिए अच्छा रहता, ई डबल ए बी सी डबल ए जो भी है, और पूरा बॉटल नहीं पीना, सिर्फ पीना खाली। तो बाइसेप का और एक वेरिएशन हो गया सेकंड। आप लोग फॉलो करो, मेरे को सब्सक्राइब करो नहीं भरो, रूटीन फॉलो करो भरो। स्टार्टिंग में आती ये क्या भीख मंग रहा बोलेंगे। ट्राइसेप की अब सेकेंड वर्कआउट पुश डाउन से। ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं मारता मैं, क्योंकि कंडीशनिंग पे ज़्यादा वो करता हूँ, मास से ज़्यादा। ज़्यादा हैवी मार के सिर्फ पंप नहीं, कंडीशनिंग में। ट्राइसेप पुश डाउन मारते खुद सिमिलर मिस्टेक्स करते लोग, माइनर मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। ये लेके एंकल मूवमेंट को ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा ऊपर के जा, ये ना को करो गलती, एंकल पूरा ऐसे ही रहना है आपका, होल्ड ये डाउन, और ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग वेरिएशन आते हैं। सीधा पीछे ले थोड़ा, ये लिए ये डाउन पुश, कम ऑन पुश, ये नीचे जाते ब्रीथ आउट, हो ट्राइसेप पुश डाउन के भी तीन सेटी मारना है, प्रीचर पैड मारना है, प्रीचर कर्ल जो होता है बहुत अच्छा होता है एकदम पीक के लिए, सीधा मसल पंप यानी कि बाइसेप पंप सही होता है। वेट के बारे में पूछ रहे थे लोग, सो वेट कल मैं चेक करा 59 केजी था मेरा वेट, नीचे कुछ भी दिखा तो नहीं ना भाई। थोड़े लोगों का पैड ये डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, थोड़ों का पैड भी नहीं रहता, पैड नहीं रहा तो क्या करना, इंक्लाइन बेंच ऐसा करके ऐसा हाथ रख के डंबल से मारना। तो अपने कन पैड है ग्रिप, हो स्लो डाउन अप, स्लो डाउन अप, स्लो डाउन अप। ये डबल पीक होना है मेरे को, बाइसेप की तीन वेरिएशन तीन सेट मारना है,
प्रीचर पैड के भी, और ये मेरा थर्ड सेट है, और थर्ड में भी फॉर्म ज़रूरी है। वो अब खाली वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वर्कआउट के साथ क्लीन डाइट भी मेंटेन करना पड़ता। लेकिन वर्कआउट करने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए आपको, जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए मोटिवेशन, अपकमिंग बॉडी बिल्डर ऑफ इंडिया, नॉट हैदराबाद, इंडिया। बहुत ही मशहूर शख्सियत है हमारे लोकेश भाई, कुछ डॉन मार रहे। ये देखो डोला, देखो भाई का ये शे। क्या बात है लोकेश भाई। अब नहीं बोलते लोकेश भाई मेरा डोला नहीं आया डोला, क्योंकि अब डोला आ गया। क्या भैया टी शर्ट निकाल रहे, टी शर्ट निकालो भाई, पब्लिक बरा में आती हमारी। थैंक यू पब्लिक पता। ओ ऋतिक रोशन का है, नहीं किसी को मत बताना बॉडी कैसे बनती है, वरना कोई नहीं बनेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर ले रहे ऋतिक रोशन। अरे क्या बात है भाई, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ट्राइसेप का है, ट्राइसेप एक्सटेंशन माना है, क्लोज ग्रिप। उसके बाद में ये हो जाते हैं टोटल तीन तीन वेरिएशन है दोनों के, और दो दो वेरिएशन रहते हैं। लास्ट वेरिएशन में कॉन्सेंट्रेशन एंड किक बैक। बहुत लोग हैं बाइसेप वर्कआउट में कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ देते, मैं भी वैसे करता था, स्किप कर देता था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करता था। बाद में मालूम हुआ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, सो उस पर भी फोकस रखना है। देखते रहो वीडियो भी बाकी है कम से कम, और एक लाइक बनता है भाई। संडे के दिन आज वर्कआउट हो रही। अब ये है थर्ड वेरिएशन ट्राइसेप का, ट्राइसेप एक्सटेंशन। थर्ड वेरिएशन हो गया ट्राइसेप का, ट्राइसेप एक्सटेंशन। अभी दो दो बचे वेरिएशंस, तो अब नेक्स्ट मारूंगा मैं रोप हैमर कर। रोप हैमर जो होता है, सिंगल हैमर भी मारते हैं डंबल से, लेकिन अभी तो वेरिएशन के हिसाब से मैं रोप हैमर मारूँ। आप लोग भी मारिए, और ये जो वर्कआउट आज मैं शूट करूँ एक बार ज़रूर ट्राई करिए, पूरी वर्कआउट कम्प्लीट एक बार करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। या तो आप ट्राइसेप कम्प्लीट करिए, या बाइसेप्स करिए, या ना तो बोथ, दोनों करिए, एज़ योर विश। और कॉलेज के बारे में भी बोलो, बोलकर बोल रहे लोग। तो SBIT इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ मैं, सिकंदराबाद पे, जो हैदराबाद से उन्हें पता होगा सिकंदराबाद कहाँ है। सो वहाँ SBIT बोलकर है, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। वहाँ मेरा कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग चल रही है, वाट लग जा रही है। रेडी 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 बोल के वो लोकेश भाई वाट लगा दे रहे हैं। मैं ये सिर्फ रोप हैमर मार रहा हूँ, रोप हैमर कल नहीं, हैमर कल में ऐसा कल हो ऐसा है, आवाज से बात करो भाई। पांच वेरिएशंस बाइसेप्स के हो गए। बाइसेप का नेक्स्ट वेरिएशन है डबल डंबल। सिंगल हैंड डंबल एक होता है, डबल एक होता है, डबल डंबल मारना है अभी तो। बाइसेप साइज क्या है, बाइसेप साइज क्या है बोलते हैं, कमेंट करके बोलो कि बाइसेप साइज क्या है। अपन एक वीडियो में मेजरमेंट लिए थे, मेजरमेंट लिए थे, वो तो पुरानी थी वो वीडियो। और ये भी बोलते हैं कि भाई पंप करे बाद कहीं को मेजर कर रहे, पंप करने से पहले करो मेजर। दो तीन का भाई, एक इंच का आता होगा बहुत बड़े। डबल डंबल बहुत अच्छी वर्कआउट है, लॉन्ग हेड बहुत लोग वर्कआउट करते, जब सांस ब्रीथ को क्या करते हैं होल्ड कर लेते। होल्डिंग से क्या होता बोले तो आप सेट सही नहीं मार सकते और बॉडी पंप भी नहीं होती ज़्यादा। तो जितना हो सका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहो, क्योंकि आपकी बॉडी अगर पंप नहीं हुई, यानी कि आप होल्ड करते रहे आपकी ब्रीथ को, तो पंप नहीं मिलता उसको बॉडी को। ब्रीथ आउट करते रहो, आप वर्कआउट भी ज़्यादा कर सकते हैं एंड स्ट्रेंथ। बोलते कि ऐसा भाई इंडियन जो रही थी अपनी, इंडियन रेसलिंग, इंडियन बॉडी बिल्डिंग, उसके अंदर ऐसा सांस को ज़्यादा नहीं छोड़ते करते। सो बॉडी खट होने में, बॉडी पंप होने में डिफरेंस है भाई। सो स्ट्रांग तो नहीं करना है अपने को भी, मसल टाइट करना नहीं है, मसल लूज ही रहना है। उसकी वजह से ब्रीथ आउट करते रहो, ब्रीथ इन मत रहो से होल्ड पे ब्रीथ, और रेप से बराबर काउंट रहो ब्रीथ को, नहीं तो आप ज़्यादा रेप नहीं मार सकते, सांस आपकी फूलना स्टार्ट हो जाएगी।
हो हाँ, आप लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्कआउट करना और एक बार मेरी रूटीन फॉलो करेंगे बाइसेप ट्राइसेप की, फिर बोलेंगे भाई मैं मारा लेकिन बने नहीं बाइसेप्स, बोले तो ऐसा करे तो किसके भी नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते। तो टोटल हो गए 8 वेरिएशंस, 4 वेरिएशन बाइसेप, 4 वेरिएशन ट्राइसेप्स के। अगर नहीं देखे आप लोग तो पूरी वीडियो देखो कंप्लीट, एंड बराबर फॉलो करो जो भी मैं बोला आपको, यानी कि जैसा भी करना है थोड़ा फॉर्म रखे, ज़्यादा हैवी मारने को मत जाओ, यानी कि उन्हें मार रहा हैवी। कभी भी एक बात बोल दूँ मैं कि किसी और का 20th चैप्टर को अपने फर्स्ट चैप्टर से कभी कंपेयर मत करो। फर्स्ट से आपको 20 तक पहुँचने टाइम लगता, मैं 20 पे हूँ, आप डायरेक्ट 20 बोले तो नहीं हो सकता। सो नॉर्मल वेट से स्टार्ट करो, वेट मैटर नहीं रखता। जैसे कि अब मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ, लेग्स में मैं ज़्यादा हैवी नहीं मार सकता हूँ, पहले मारता था, यानी कि उतना भी नहीं मारता था इंजरी से पहले, फिर भी बेटर मारता था। तो उसके बाद से इंजरी वेव से लेग में वेट, यानी कि मैं अगर कुछ भी दूसरी वर्कआउट करा अपर बॉडी तो अच्छा हैवी मार सकता हूँ, लोअर करा तो हैवी नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि मार नहीं सकता हूँ। और शर्म की क्या बात है, आज कम मारूँ कल ज़्यादा मार दूँ, उसमें क्या है, वेट तो वेट ही होगा। चलो ऐसा नहीं मानना है, देखो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऐसा मानना है। अगर आप समझो शादी में जा रहे, दावत में जा रहे, पार्टी में जा रहे, आपको पंप चाहिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में, सो 6 वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन, 6 वेरिएशन किकबैक मारना चिल्लाना, ऐसा पंप होते पूरा। ये तो फुल टारगेट हो रहा था मसल, सिंगल मसल एंड माइंड कनेक्शन होता इसमें बहुत ज़्यादा। सो ये लास्ट वेरिएशन है ट्राइसेप का किकबैक, जिससे आपका पूरा मसल कंडीशन जो है बहुत क्लियरली अच्छे से पंप होता है, और एकदम जो बोलते हैं ना कट बंदी बोल के, ये ऐसे ही होता है। देखिए सिर्फ मूवमेंट ये रखिए, किक करिए पीछे, डन। जस्ट आपको पीछे करना है, थोड़ा ट्विस्ट करना है आपके डंबल को, ताकि उन्हें सही जगह कॉन्सेंट्रेशन मिले, पूरे रिलैक कर दिया डम्बला भाई, जितने भी नीचे पड़े हुए थे, ये रिलैक करना अच्छी चीज़ है भाई। ये तो ये है, इससे आपकी बॉडी बन रही, तो गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, बस यही है हर चीज़ के लिए। अब मैं ऑफ सीज़न हूँ, देख सकते हैं आप लोग ऑफ सीज़न पे मेरा मसल कितना मैच्योर है, अगर मैं वही ऑन डाइट हो गया तो दिखा दो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नॉट बैड, अच्छा है, लेकिन जो ऑन सीज़न होता है वो नहीं है। ये देखिए आप लोग मसल मिनिया का, आप लोग शो डे देखे होंगे, नहीं देखे मेरा शो डे का वीडियो आप लोग, जो कंपटीशन का था, आई बटन है यहाँ, क्लिक करिए, टैप करिए, चेक करिए। अब ये देखिए कंडीशन मेरी ऑफ सीज़न में, ये जो खोर दिख रही है आपको, ये ऑफ सीज़न में डाइट नहीं रहने से ऐसी हो गई है। जब मैं ऑन डाइट था, यानी कि मेरा डेली चिकन फिश जब रह रहा था डाइट में, हाई प्रोटीन हाई लो कार्ब्स, तो उससे एकदम मसल चेंज हो गया था मेरा। जैसे कि अब यहाँ क्वालिटी मसल की, ये देखिए स्किन क्वालिटी, अब वो यहाँ थी मेरी, अब जो मोटी है। सो डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि, थोड़े लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 50% डाइट 50% ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में भी 100% दो और डाइट में भी 100% दो, बस इतना समझो कि एक महाराजा है, मतलब एक किंग है तो एक क्वीन है। तो गाइस इसी के साथ कंप्लीट हो गई किक बैक एंड कॉन्सेंट्रेशन, टोटल 10 वेरिएशन करा मैं, 5 वेरिएशन बाइसेप्स, 5 वेरिएशन ट्राइसेप्स के। एक बार आप लोग आपकी रूटीन में फॉलो करिए डाइट, और एक बार शेयर करिए भाई आपके दोस्तों से, जो भी बिगनर्स है उनको शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि कैसा करना चाहिए, फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताइए, ज़्यादा लिफ्टिंग में मत जाइए, अच्छे हैवी वेट्स में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड एक लाइक बनता है, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू गाइस, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, डोंट ट्रबल योर मदर, बोलना भूल गया, बोल के कट नहीं कर रहा मैं।